तो फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे थे। प्रॉपर्टीज में क्या बोले कि यहाँ पे हम तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ यस, गायब। यस, तो ये वाला जो है आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक है। अब एसिडिक है तो इसलिए जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर में क्या नजर आएगा कि H3, ठीक है, क्या है ये H3PO2 के साथ जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा H+, और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका बेटा H2PO2, और ये आ जाएगा माइनस, और इसको कहेंगे हाइपोफॉस्फाइट आयन। नाम क्या रहेगा, हाइपोफॉस्फाइट आयन, ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, हाइपोफॉस्फाइट आयन इसका नाम हो जाएगा। अब यदि एक्शन विद हीट देखें तीसरे प्रॉपर्टी में, ठीक है, एक्शन विद हीट, ये यदि हम लोग देखें एक्शन ऑफ हीट में स्ट्रॉन्ग, यदि हम लोग हीट करेंगे तो फॉस्फाइन जो है वो बाहर निकलता है। यानी कि होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे तो ये देखो, यहाँ पे होगा 2 2H3PO2, और क्या करेंगे बेटा हीट, यहाँ पे बन जाएगा H3PO4, और साथ ही साथ क्या निकलता है, PH3 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग एक्शन, अगला हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ वाला, फोर्थ दैट इज रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एक्शन रिड्यूसिंग एक्शन। ठीक है, ये तो बेसिकली होगा क्या, कुछ इंपॉर्टेंट रिडक्शन है यहाँ पे जो आपको देखना है। जैसे सबसे पहला आपको क्या दिखेगा, सबसे पहला क्या, जो भी आपको रिएक्शंस है, तो ये AgNO3, ठीक है, इसमें कन्वर्ट AgNO3 to Ag रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन क्या है यहाँ पे कि H3PO2, ठीक है, H3H3PO2 प्लस 4AgNO3, ठीक है, और प्लस ये रहा आपका वाटर। ठीक, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag में, साथ ही साथ H3PO4 प्लस हो जाएगा 4NH3, इसमें सॉरी 4NH HNO3, ये हो जाएगा 4HNO3, ये रिडक्शन हो गया। यहाँ दूसरा रिडक्शन क्या देखने को मिलेगा, HgCl2, ठीक है, 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg, ठीक है, ये मिलेगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, HgPO2 साथ ही साथ होगा 2Hg, ठीक है, सॉरी यहाँ पे H3 ना, ये होगा H3PO2, ठीक है, H3PO2 प्लस 2AgCl2, ठीक है, प्लस 2H2O, ठीक है, प्लस 2H2O क्या बन जाएगा, ये 2Hg बनता है, साथ ही साथ H3PO4 बनता है, साथ ही साथ क्या बनता है, 4HCl ये बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 4HCl बनेगा।
ऐसा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा रिडक्शन क्या मिलेगा देखने को, तो तीसरा रिडक्शन मिलेगा Cl2 से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl2 टू Cl- में, यानी कि रिएक्शन क्या होगा, H3PO2 ठीक है प्लस टू Cl2 और साथ ही साथ प्लस 2H2O, और यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा H3PO4, साथ ही साथ बनेगा आपका 4HCl ठीक है, 4HCl ये बनता हुआ नजर आएगा। और सिमिलर रिडक्शन इज ऑब्जर्व विद I2, ये भी बता देते हैं, सिमिलर एकदम सेम नजर आएगा I2 के साथ ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, सिमिलर सिमिलर रिडक्शन रिडक्शन ठीक है इज ऑब्जर्व ठीक है विथ आई टू इज दैट क्लियर। यानी हम लोग देख रहे हैं ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान में रखेंगे, यानी कि Cu+2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये बेटा Cu+ में ठीक है, क्यूपरिक से क्यूपरस में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3H3PO2 प्लस 4CuSO4 ठीक है प्लस 6H2O, और ये क्या दे रहा है, 2Cu2H2 और साथ ही साथ 3H3PO4 प्लस यहाँ पे हो जा रहा है 4H2SO4, और यहाँ पे कॉपर क्या है +1 में ठीक है। यूजेज क्या होगा, इट इज यूज्ड, चैतन्य बहुत देर बाद आए जी, हेलो सुनाई दे रहा चैतन्य, चलो ठीक है। और यूजेज क्या होगा, इट्स सॉल्ट आर यूज्ड एज नर्व टॉनिक, ध्यान में रखना यूजेज क्या है इसका, यूजेज ठीक है इट्स सॉल्ट ठीक है आर यूज्ड एज नर्व टॉनिक इस तरीके से इसको यूज किया जाता है नर्व टॉनिक के तौर पे ठीक है, तो ध्यान में रखना। दूसरा अब हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा पूरा पहला जो है हम लोग देख चुके हैं, देख लो एक बार फिर से ये पूरा इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे प्रिपरेशन है ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर बता दिए पूरा का पूरा ठीक है, किसमें PUH कितने हैं, एच कितने हैं, सारा कुछ प्रॉपर्टीज हो गया अपना ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं किसके बारे में, फिर दूसरा वाला जो अपने पास है दैट इज क्या है, वो सेकेंड फॉस्फोरस एसिड ठीक है, सेकेंड क्या बोलेंगे उसको, फॉस्फोरस एसिड ठीक है, और फॉस्फोनिक एसिड ठीक है, और क्या इसको लिखेंगे, ये लिखेंगे H3PO3 ये ऐसे पूरा ठीक है, ये पूरा का पूरा ठीक है। तो ये आपका आएगा, अब प्रिपरेशन सबसे पहले ठीक है, प्रिपरेशन कैसे होगा, बाय हाइड्रोलिसिस सबसे पहला जो देखेंगे, ए बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ P4O6 ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे P4O6 का तो अपने को मिलता है। अब जैसे जैसे यहाँ पे है P4O6 क्या ले रहे हैं, वाटर 6H2O, H और OH ऐड करते हैं, यही तो करते हैं ठीक है, क्या बन जाएगा ये 4H3PO3 ये बनता है ठीक है। दूसरा जो रहेगा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 सेकेंड ठीक है, सेकेंड जो है वो रहेगा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, कहाँ देख रहे हो जी,
बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3, ठीक है, PCl3 का यदि हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तब उसमें ठीक। अब यहाँ क्या रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ रिएक्शन हो जाएगा PCl3+3H2O, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO3, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा 3HCl में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक। तीसरा तीसरा जो हम लोग क्या तीसरा यानी कि A, ये था B, B और ये हो जाएगा आपका C, ठीक है C। तो C में क्या है, बाय हीटिंग ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एसिड ठीक है, बाय हीटिंग ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड ठीक। इसके बाद इसमें रिएक्शन क्या होगा, तो इसमें 3H3PO2 का रिएक्शन किसके साथ, हीट करेंगे यहाँ पे, और क्या बनेगा PH3, साथ ही साथ क्या बनेगा आपका 2H3PO3 ये बन जाएगा। तो यहाँ तक देखें, आगे जो है और एक है यहाँ पे, तो वो अगला क्या होगा डी, चौथा जो है इसका प्रिपरेशन का, बाय हीटिंग PCl3 ठीक विथ ऑक्सैलिक एसिड ये हो जाएगा ठीक है, बात समझ में आया। अब इसका रिएक्शन क्या होगा कि PCl3+3H2C2O4, और ये बनेगा क्या, ये बनेगा H3PO3+3CO कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है, +3CO2 प्लस क्या बनेगा 3HCl ये बनेगा। अंडरस्टूड। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टी म्यूट कर दो जी। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला सेम वही चीज ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, कलरलेस ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ठीक, मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 73°C ठीक है, हाईली सॉल्युबल ये हो गया इन वाटर इन H2O। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड ठीक है, ध्यान में रखना, यानी कि दो हाइड्रोजन इससे बाहर निकलेंगे, इसके स्ट्रक्चर से देखोगे तो दो OH POH बॉन्ड नजर आएगा, दो POH बॉन्ड नजर आने के कारण H3PO3 में ठीक है, कितने बॉन्ड नजर आएंगे, दो POH, तो दो POH है तो दो हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर आपको बनता हुआ नजर आएगा ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि इट इज स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक, यानी हम लिख देते हैं डाई बेसिक एसिड है ये ठीक है, डाई बेसिक एसिड है, उसके साथ ही ठीक है डाई बेसिक एसिड हो गया और अल्कलाइन फॉर्म्स ठीक है, विथ अल्कलाइन इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट
ठीक है, जाहिर सी बात है कि दो सीरीज ऑफ सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, डाई बेसिक एसिड है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक क्या बनेगा, जैसे कि H3PO3 है, तो इसका दो OH था, स्ट्रक्चर याद है कैसा था स्ट्रक्चर, तो ये फॉस्फोरस, ठीक है, बना देते हैं फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, ये था ओ, यहाँ था ये OH और ये था आपका H, ठीक है, तो दो OH बॉन्ड यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये भी, तो एक एक करके बाहर निकलेगा, तो क्या होगा H3PO4, सॉरी H3PO3, और एक हाइड्रोजन निकलेगा तो फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2PO2- ये बनेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या बनेगा, और साथ ही साथ H+ ऐसा लिखते हैं, और ये प्लस बीच, ठीक है ऐसा, और यहाँ से फिर से ये होगा आयोनाइज, ठीक है, और इस बार देगा H+ और साथ ही साथ देगा HPO3-2, ऐसा ये हो जाएगा, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट देखते हैं, एक्शन ऑफ हीट, नेक्स्ट तीसरा एक्शन ऑफ हीट, सब कुछ वही रिपीट होते चलेगा, एक्शन ऑफ हीट, तो क्या करेंगे, ये 4H3PO3 क्या करेंगे, हीट कितना डिग्री पे, 200 डिग्री सेल्सियस पे, ये देता है आपको फॉस्फीन गैस, ठीक है, और साथ ही साथ 3H3PO4 का फॉर्मेशन करता, आया बात समझ में, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिड्यूसिंग एक्शन पे, चौथा रिड्यूसिंग एक्शन, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एक्शन, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एक्शन पे इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान में रखना, बिकॉज इट इज इजली ऑक्सीडाइज, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट इज इजली ऑक्सीडाइज, इजली, ठीक है, ऑक्सीडाइज, ठीक है, ये इजिली ऑक्सीडाइज अपना हो जाता है। अब क्या है रिएक्शन, जैसे कि पहला सबसे पहले ए, ठीक है, कॉपर CuSO4 किस में बन जाएगा, Cu में, ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, H3PO4, H3PO3 ना, H3PO3, साथ ही साथ क्या होगा CuSO4, और साथ ही साथ हम लोग लेंगे वाटर, वाटर बनेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा Cu+H2SO4+ क्या बनेगा H3PO4, ये बनता हुआ नजर आएगा, अंडरस्टूड। उसके बाद बी, बी में क्या नजर आएगा, H3 यानी कि AgNO3 to Ag, AgNO3 to Ag, ठीक है, ये नजर आएगा, और रिएक्शन क्या रहेगा, H3PO3, ठीक है, H3PO3+2AgNO3, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 2Ag+ क्या होगा, 2AgNO3, ठीक है, और प्लस 2HNO3 ना, अच्छा इसको काट के लिख देते हैं, 2HNO3, 2HNO3, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, H3PO4। आप देखेंगे तो एकदम कॉमन सीक्वेंस टाइप आपको जो है नजर आएगा। अब यहाँ पे सल्फेट था तो क्या बना, H2SO4, यहाँ पे नाइट्रेट था तो फिर क्या बना, यहाँ पे नाइट्रेट था तो क्या बना, HNO3। तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा कॉमन चीज देख करके जो है रिएक्शन को आसानी से याद रखा जा सकता है, ठीक है। अब आगे जो है इसमें आगे क्या देख रहे हैं, HgCl2 किसमें कन्वर्ट होगा,
Hg2Cl2 यानी कि +2 से +1, ठीक है। सी तीसरा HgCl2 किस में कन्वर्ट होगा, Hg2, ठीक है, Cl2 इसमें, यानी कि रिएक्शन क्या होगा, H3Cl2 प्लस टू सॉरी HgCl2 यहाँ पे क्या हो जाएगा रिएक्शन, H3PO3 प्लस टू एच जी सी एल टू प्लस वाटर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg2Cl2 में, ठीक है, और साथ ही साथ HCl में, ठीक है, और साथ ही साथ H3PO4 में इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से आई किस में रिड्यूस हो जाएगा, I2 किस में रिड्यूस होगा, HI में, ठीक है। तो ये H3PO3 प्लस I2 और प्लस वाटर, सब पैटर्न पे एक चल रहा है, देखोगे तो 2HI और साथ ही साथ क्या बन रहा है, H3PO4, ठीक है। और लास्ट ये है पांचवा E, जिसमें K-4, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में, Mn+2 में, यहाँ पे Mn कितना है, +7 में, +7 से किस में आ जाएगा, +2 में, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो गया, 5H3PO3 प्लस 2KMnO4, ठीक है, और प्लस 3H2SO4, ठीक है, और प्लस, ठीक है, सॉरी ये हो गया। अब यहाँ से ये बनेगा K2SO4 प्लस 2MnSO4, ठीक है, और साथ ही साथ बनेगा 5H3PO4 प्लस 3H2O, ये बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये पूरा रिएक्शन। तो ये रिडक्शन का कुछ रिएक्शंस हैं, और यहाँ पे ये आपका ऑलमोस्ट खत्म होता है, बस इसका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वो भी बता देते हैं। जो है, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन टॉटोमेरिक फॉर्म, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये टॉटोमर्स का फॉर्मेशन कर देता है, टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि टॉटोमर्स जो होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और वो एक स्पेशल फॉर्म होता है, किसका किसका, फंक्शनल का, ठीक है। खैर वो सब तो टॉटोमर्स में पढ़ाए ही, तो यहाँ पे देखेंगे टॉटोमेरिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, इट एग्जिस्ट इन टॉटोमेरिक फॉर्म्स, तो यहाँ पे लिख जरूर लेना कि इट एग्जिस्ट इन टॉटोमेरिक फॉर्म, ठीक। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या था, कि पी डबल बॉन्ड ओ, ये रहेगा एच, ये रहेगा ओ एच, और यहाँ पे रहेगा ओ एच, ठीक है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है, और ये होता है मोस्ट स्टेबल, समझे, और टॉटोमर होने के बाद, ठीक है, टॉटोमर होने के बाद ये क्या हो जाएगा, पी ओ एच ओ एच और ये ऐसा, ठीक है, इस तरीके से, समझ में आया। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका लेस स्टेबल, टॉटोमेरिक फॉर्म में होता है, लेकिन इसका यही वाला जो है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म पाया जाता है। इज दैट क्लियर। थर्ड ऑक्सी एसिड्स जो हम लोग देखेंगे, तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तीसरा उसका नाम है हम लोग पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक या फिर फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो फॉस्फोरिक और फॉस्फोरिक एसिड,
फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ये। और इसको हम लोग H3PO4 भी कहते हैं। इसका प्रिपरेशन तो बहुत सारा, ठीक है, कई सारा प्रिपरेशन तो अभी हम लोग इतना दूर जो ऊपर से आए हैं उसी में देख लिए, ठीक है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक या फिर फॉस्फोरिक एसिड हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग देखेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक या फिर फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। ये अपना पूरा अभी चल रहा था रिडक्शन वाला पार्ट, और उससे पहले वाला जितना भी है वो सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से इसका प्रिपरेशन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन में सबसे पहले बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10 विथ हॉट वाटर, पहला जो रहेगा ए, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10, ठीक है, विथ हॉट वाटर, ये ध्यान में रखना, विथ हॉट वाटर, ठीक। तो क्या होता है यहाँ पे P4O10, ठीक है, क्या लेंगे हम लोग, 6H2O, और ये ध्यान में रखना है कि ये हॉट है, गर्म, ठीक है। और ये बन क्या जाता है, ये बन जाता है 4H3PO4 बन जाता है, ठीक। दूसरा जो है, दूसरा है बाय बॉइलिंग PCl5 विथ वाटर, ये सब रिएक्शन अब रिपीट हो रहा है, पहले आ चुका है ये सब, ठीक है, पहले आ चुका है ये सब, बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग बाय बॉइलिंग PCl5 विथ वाटर, विथ वाटर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या नजर आएगा, यही PCl5 प्लस 20HNO3, ये इम्पोर्टेंट है, 20HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है। एक सेकेंड, ये दूसरा रिएक्शन करें हम, PCl5 विथ वाटर है ना, तो पानी चाहिए ना, यहाँ पे 4H2 होगा, 4H2O, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 4H3PO4 में, साथ ही साथ ये हो जाएगा 4H2O में, और साथ ही साथ हो जाएगा, एक सेकेंड, फिर से आ गया, ये कहाँ से वाटर आ जाएगा, यहाँ से वाटर नहीं आएगा, ठीक है, H3PO4 केवल बनेगा, और एक बात H3PO4, और साथ ही साथ क्या होगा, 5HCl, 5H, ये बनेगा। तीसरा जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, बाय हीटिंग रेड फॉस्फोरस विथ, बाय हीटिंग, हीटिंग रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस विथ विथ CONH NO3, तो ये होगा क्या, ये रिएक्शन होगा P4 प्लस 20HNO3, बनेगा क्या, 4H3PO4 प्लस प्लस 20NO2, ये बनता है, ठीक है। रिएक्शन ये बैलेंस्ड है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि रिएक्शंस भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान में रखना ये बात, क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, ठीक है, ये ध्यान में रखना कि क्रिस्टल, क्रिस्टल ऑफ आयोडीन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, क्रिस्टल ऑफ आयोडीन जो है वो एक्ट कर रहा है यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट के तौर पे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी, डी डी में क्या है, डी में बोलता है बाय एक्शन ऑफ CONH NO3, ठीक है, बाय कैल्शियम फॉस्फेट, याद आ रहा है, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ रिएक्शन, ये आता है ठीक CA3PO4
फोर का होल टू, ठीक है, का रिएक्शन 3H2SO4 के साथ होगा, तो ये बनेगा 3CaSO4 प्लस बनेगा 2H3PO4, ये बनता है। ठीक है, बी ए बी सी डी ई में आ जाते हैं। फ्रॉम बोन एस, यस फ्रॉम बोन एस, हड्डियों के राख से भी, ठीक है, फ्रॉम बोन एस, तो द बोन एस को जो हम लोग हैं वो ट्रीट करते हैं विथ मिनिमम HNO3 के साथ, एंड देन CH3COOH2PB, ठीक है, लीड एसिटेट को ऐड करते हैं, ठीक है, वेयर लीड फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, और तब ये डिकम्पोज करवाते हैं इसको, पास करवा के H2S, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, यानी कि इसमें हम लिख देते हैं थोड़ा सा, क्या लिख देते हैं कि द बोन एस, द बोन एस लिखते हैं, द बोन एस, ठीक है, इज ट्रीटेड विथ, इज ट्रीटेड विथ मिनिमम HNO3 एंड देन CH3COOH2PB लीड एसिटेट इज एडेड, ठीक है, वेयर वेयर लीड लीड फॉस्फेट इज फॉर्म विच इज देन विच इज देन, ठीक है, डिकम्पोज्ड बाय, ठीक है, डिकम्पोज्ड बाय पासिंग H2S को पास करवा, ठीक है, यानी कि ये PB3PO4 का होल ट्वाइस, और लिख रहे हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे H2S, और जिससे ये मिलेगा 3PbS प्लस 2H3PO4, और ये इनसोल्यूबल होगा PbS, ठीक है, इनसोल्यूबल होगा, क्लियर है, और ये सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है, सॉल्यूशन बचता है, और F आखिरी इसका ये है, लास्ट जो है एफ वाला वो क्या बोलता है, वो है बाय हीटिंग कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, विथ सिलिका इन इलेक्ट्रिक फर्नेस फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस विथ हॉट वाटर, तो क्या क्या होगा, बाय हीटिंग कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेट विथ सिलिका, ठीक है, सिलिका है जी ये सिलिका इन इलेक्ट्रिक फर्नेस
इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है, बाय हाइड्रोलिसिस विथ हॉट वाटर, बाय फॉलोड बाय, ऐसे लिखना होगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस विथ हॉट वाटर। ठीक है, ये है आपका 2 CA3 PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6 SiO2, ये देगा आपका 6 CA SiO3 प्लस P4O10, ये बनता है। और उसी के बाद P4O10 को क्या करवा दो, हाइड्रोलाइज करवा दो, ठीक है, 6H2O के साथ, और ये क्या बन जाएगा, 4H3PO4 बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के लिए हम क्या करते हैं, फिर से दोबारा लिंक भेजते हैं, नहीं तो ये कभी भी ऑफ हो सकता है। ठीक है, कभी भी ऑफ हो जाएगा, तो हम इसको यही मीटिंग एंड करते हैं और फिर से दोबारा लिंक भेजते हैं।